हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज वड्डा। दिस इज आनंद हेयर। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिक्किम। सिक्किम इज द स्टेट, सिक्किम स्टेट विच इज टेकन फ्रॉम क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 सिक्किम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव, इस चैप्टर में हम लोग बच्चों सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम का नाम कैसे पड़ा, सिक्किम के नाम का मतलब क्या है, सिक्किम में लोग रहते कैसे हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कितने जनसंख्या है वहाँ का, ये सब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। ध्यान से इसको देखिएगा आगे। सिक्किम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड वामर। वामर, हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट। माउंटेनियस स्टेट मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय इलाका। क्या आप कभी पर्वतीय, हैव यू ईवर, हैव यू ईवर का मतलब क्या आप कभी, क्या आप कभी विजिटेड मतलब गए हैं, ए माउंटेनियस स्टेट एक पर्वतीय इलाके में, एक पर्वतीय राज्य में, क्या आप लोग कभी, क्या आप कभी गए हैं। इफ यस, अगर हाँ गए हैं, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपल, तब वहाँ के लोगों के बारे में क्लास में बताइए। फूड हैबिट्स, वहाँ के खाने की आदतों के बारे में बताइए। ड्रेसेज, वहाँ के ड्रेस, वहाँ के कपड़ों के बारे में बताइए, कैसे कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग। क्लाइमेट और वहाँ के जलवायु के बारे में बताइए, एक्सेट्रा और आदि, इन सभी चीज़ों के, उनके बारे में आप यहाँ पर इस चैप्टर में बताने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर वाम में। अब आपको आगे इस चैप्टर में बताएंगे क्या क्या इस चैप्टर में है, कौन सा ड्रेस पहनता, कैसे खाना खाता, कैसे रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर। सिक्किम कहता है, सिक्किम इज अ टीनी माउंटेनियस स्टेट। सिक्किम इज अ टीनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज मतलब होता है, ईस्टर्न हिमालयाज मतलब दक्षिणी, ईस्टर्न हिमालयाज मतलब पूर्वी, पूर्वी हिमालय के गोद में जो है क्या है, सिक्किम बसा हुआ है। सिक्किम इज अ टीनी माउंटेनियस, सिक्किम जो है एक बहुत छोटा, टीनी मतलब छोटा, माउंटेनियस मतलब पर्वतीय स्टेट है। सिक्किम एक छोटा सा पर्वतीय स्टेट है, इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो कहाँ है, हार्ट मतलब गोद में, यहाँ हार्ट का मतलब हृदय, गोद समझेंगे, तो यहाँ किसकी गोद में है, ये हिमालय के गोद में है, उत्तरी दक्षिणी हिमालय मतलब पूर्वी हिमालय के गोद में है। इट इज़ बाउंडेड बाय, बाउंडेड मतलब होता है बंधा होना या घिरा हुआ, द तिब्बतियन, तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ। इन द नॉर्थ मतलब होता है, इन द नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर में तिब्बतियन प्लेट्यू से मतलब तिब्बत के पठार से ये बाउंडेड है, तिब्बत के पठार से घिरा हुआ है। द चुंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और ईस्ट में, पूरब में ये किस चीज़ से घिरा हुआ है, ये चुंबी वैली ऑफ तिब्बत, चुंबी वैली से घिरा हुआ है उत्तर में, पूरब में, ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और ईस्ट के भूटान में, भूटान के ईस्ट से। नेपाल इन द वेस्ट, और इनके पश्चिम में जो है नेपाल है। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द, और दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल भी इसके साउथ में है, दक्षिण में इसके दार्जिलिंग बंगाल है। अब इसकी चौहद्दी को आप फिर से देखिए, ये कहता है कि जो हिमालय है, बाउंडेड टिबेटियन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, नॉर्थ में मतलब, नॉर्थ मतलब उत्तर में, ये तिब्बत के पठार से घिरा हुआ है। द चुंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और ईस्ट में जो है ये, पूरब में जो है ये क्या हुआ है, पूरब में किंगडम मतलब तिब्बत, तिब्बत के किंगडम वैली के भूटान में ये घिरा हुआ है। नेपाल इन द वेस्ट, और पश्चिम में जो है नेपाल से है। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और दक्षिण में, साउथ दक्षिण में दार्जिलिंग है। नाउ इन 1975 सिक्किम बिकेम द, सिक्किम बिकेम द 22 स्टेट ऑफ इंडिया। कहता है इंडिया का ये जो 22वां राज बना, कब, 1975 में सिक्किम अलग होकर के ये इंडिया का 22वां राज बना। इट हैज ओनली 54,493
only 54,493 inhabitants and a total area of 7,096 स्क्वायर किलोमीटर। इनका जो है सिक्किम का 22वां राज्य बना 1975 में, और यहाँ पर सिर्फ कुल जनसंख्या था 54,493 इनहेबिटेंट्स मतलब लोगों का, एंड टोटल एरिया और वहाँ का जगह जो था 7,096 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। सिक्किम इज़ द लेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, लिस्ट का मतलब होता है कम, लिस्ट मतलब सबसे कम, तो सिक्किम जो है वो इंडिया का भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। कौन? सिक्किम। यह आप देख रहे हैं सिक्किम के लोग हैं, वेशभूषा आप सिक्किम का देख सकते हैं अच्छी तरीके से। नाउ द वर्ल्ड, सिक्किम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जो द वर्ड इनका जो वर्ड है शब्द जो है सिक्किम इज कॉम्बिनेशन वो बना है ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों से, पहला सू एंड दूसरा खीम। सू मीन्स, सू का अर्थ होता है न्यू, सू का अर्थ न्यू मतलब नया, एंड खीम मीन्स प्लेस और हाउस, और खीम का मतलब जगह और घर समझ सकते हैं। देयरफॉर इसलिए द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस, और इसलिए सिक्किम का अर्थ क्या हुआ? नया घर या नई जगह। इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ट बाय स्टेट्स फर्स्ट रूलर, इन रेफरेंस टू कहता है इस संदर्भ में, इन रेफरेंस टू इन संदर्भ में प्लेस बिल्ट बाय टू द स्टेट फर्स्ट रूलर, वहाँ का क्या बना? पहला शासक बना। कौन बना पहला शासक? जो स्टेट बनने के बाद वहाँ का फर्स्ट रूलर, पहला शासक बना, कौन बना? यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूलर पुनसुक नामग्याल, पुनसुक नामग्याल वहाँ का सिक्किम का पहला शासक बना। द तिब्बतियन नाम फॉर सिक्किम इज डेंजोंग, वहाँ का तिब्बतियन जो नाम था सिक्किम का वो डेंजोंग था, विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी, वैली का मतलब घाटी और राइस मतलब चावल, चावल की घाटी के नाम से डेंजोंग के रूप में तिब्बत के नाम से वहाँ सिक्किम को जाना जाता था। नाउ सिक्किम इज डिवाइडेड इंटू फोर डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम। सिक्किम इज डिवाइडेड, सिक्किम को बांटा गया है, सिक्किम को बांटा गया है इंटू फोर डिस्ट्रिक्ट, चार जिलों में, फोर डिस्ट्रिक्ट मतलब चार जिलों में, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम मतलब पूर्व सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम, इस चार जिलों में उनको बांटा गया है। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर गंगटोक, और ये चारों जिलों का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्य जो संगठन है वो गंगटोक में है, सिक्किम के गंगटोक में, गेजिंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्टली। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर गंगटोक, गेजिंग, मंगन एंड नामची रिस्पेक्टली मतलब रूप से, पूर्ण रूप से। जो पहला जो ये था कि इसका ये समझेंगे कि ईस्ट सिक्किम का मुख्यालय कहाँ हुआ, हेडक्वार्टर गंगटोक में, वेस्ट सिक्किम का गेजिंग में, नॉर्थ सिक्किम का मंगन में एंड साउथ सिक्किम का नामची में। नाउ गंगटोक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, गंगटोक जो था सिक्किम का कैपिटल था, राजधानी थी, लिटरली मीनिंग अ हाई हिल, जिसका मीनिंग था क्या? हाई हिल, इसका मीनिंग शाब्दिक अर्थ था हाई हिल मतलब ऊंची पहाड़ी। ऑफर्स मैग्निफिकेंट व्यू ऑफ द स्नो क्लैड कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत का नाम है, तो मैग्निफिकेंस व्यू मतलब एकदम शानदार व्यू आ रहा था, शानदार दृश्य दिख रहा था, स्नो क्लैड एकदम बर्फ से भरी आच्छादित पर्वत का, जो पर्वत कौन था? कंचनजंगा। द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक विच इज रिगार्डेड एज द गार्जियंस डेटी ऑफ सिक्किम, डेटी का मतलब होता है देवी या देवता, तो कहता है द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची वीक पीक थी, चोटी थी, विच इज रिगार्डेड जो क्या हुआ था, रिगार्डेड मतलब किसी के रूप में खड़ा था, एज द गार्जियन एक गार्जियन के रूप में, डेटी ऑफ सिक्किम, सिक्किम के देवी देवताओं के रूप में वहाँ पर वो खड़ा था, कौन? कंचनजंगा पर्वत। सिक्किम इज अ रिच एंड फ्लोरा एंड फौना,
सिक्किम इज रिच, रिच मतलब समृद्ध, फ्लोरा एंड फौना मतलब जीव या जंतु, फ्लोरा एंड फौना मतलब वनस्पति या जीव जंतु हम बोल सकते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना से सिक्किम एकदम भरा हुआ था, स्ट्रीम्स मतलब नदियों की धाराओं से भरा हुआ था, एकदम से पानी की धाराओं से भरा हुआ था। एंशियंट मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब होता है एंशियंट मतलब प्राचीन, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, वहाँ पर प्राचीन मतलब पूर्व के मठ भी थे। एंड लेक्स और वहाँ पर झील भी था। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडेंड्रॉन, रोडेंड्रॉन मतलब होता है द स्टेट ट्री एक राजकीय वृक्ष के रूप में क्या था सिक्किम का कौन था, रोडेंड्रॉन। ऑर्चिड ये सब फूलों का नाम है, ऑर्चिड फिग बनाना साल्ट्री एंड बैम्बू और बांस, ओक चेस्टनट मैपल बीर्च एल्डर एंड मैग्नोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर भारी संख्या में। ओक मतलब होता है लकड़ी, चेस्टनट मतलब अखरोट और मैपल मतलब पकरोर पंचकोर बोलते हैं जिसको, वो होता है वो सब बहुत भारी संख्या में वहाँ पर उगते हैं। द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम, स्टेट फ्लावर मतलब राष्ट्रीय फ्लावर, राष्ट्रीय फूल के रूप में उसको दिखाया गया मतलब समझाया गया है। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड द स्नो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड मतलब बर्फ की तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड मतलब बर्फ की तेंदुआ, वहाँ के फौना वहाँ के जीव जंतु बर्फ की तेंदुआ की तरह दिखता है, बर्फ की तेंदुआ वहाँ मिलता है। द मस्क डियर और वहाँ पर एक कजरी मतलब हिरन भी मिलता है, एकदम कजरी हिरन मिलता है। द भोराल, भोराल एक सिंह वाला जानवर, जो भोराल एक जानवर है। द हिमालयन स्थार द रेड पांडा द हिमालयन मार्मट, द हिमालयन मार्मट द शेरो, शेरो मतलब होता है सिंगवाल, सिंगवाल एक जानवर। द गोरल, द गोरल, गोरल का जो होता है गोरल जानवर है एक जिसका सिंग जो होता है पीछे मुड़ा हुआ रहता है गोरल। द बार्किंग डियर भौंकने वाला हिरन, द कमन लंगूर एक सामान्य सा लंगूर, द हिमालय ब्लैक बियर और काला जो धूमिल तेंदु मतलब काला जो वहाँ का भालू था वहाँ, द क्लाउडेड लियोपार्ड और धूमिल तेलुआ मतलब उजला तेंदुआ उजला उजला, द मार्बल कैट एकदम उजला क्या है बिल्ली, द लियोपार्ड कैट मतलब तेंदुए की तरह दिखने वाला बिल्ली, द वाइल्ड डॉग जंगली जंगली कुत्ता, द तिब्बतियन वॉल्फ और तिब्बत के लोमड़ी, द हॉग बैगर हॉग बैगर वहाँ का, द बिंट्रोंग, बिंट्रोंग मतलब लोमड़ी की तरह दिखने वाला एक जानवर है, द जंगल कैट वहाँ जंगली बिल्लियाँ एंड द सीवेट कैट और सीवेट कैट के रूप में भी वहाँ पर बहुत सारे जानवर उस जंगल में मिलते हैं। एमंग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर यक्स, यक्स के वहाँ पर मोर कॉमनली फाउंड आर यक्स, यहाँ पर बहुत सामान्य रूप में वहाँ पर यक्स पाया जाता था। एमंग द एनिमल्स इन सभी जानवरों के बीच मोर कॉमनली फाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था यक्स, मेनली रेयर्ड फॉर देयर मिल्क जिसके वो क्या करता था दूध के लिए जाना जाता है। मीट एंड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ, बोझ के रूप में वहाँ पर जंगल के बोझ के रूप में उसको जाना जाता था। द बर्ड फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द हम्पेन फिसेंट द क्रिम्सन हॉर्न फिसेंट द स्नो पेट्रीज द स्नो रोस्टर द लोमड़ेगियर एंड ग्रीफॉन वल्चर, ये सब मतलब पक्षियों के नाम है। एम्प्रियान मतलब पूर्व पर लंबी पूंछ वाला, द क्रिम्सन मतलब गाढ़ा गहरे बाल वाला, ये सब जब जो है सब पक्षियों के नाम है। एज वेल अ गोल्डन ईगल्स और वहाँ पर सुनहरे रंग के ईगल्स के रूप में ईगल्स भी देखे जाते थे। क्वेल मतलब बटेर भी देखे जाते थे। प्लोवर्स वुड कुक मतलब कटफोड़वा भी कटफोड़वा की तरह होता था वो देखे जाते थे। सैंडीपर्स टिटहरी भी देखते थे। पीजन्स कबूतर भी। बैबलर मतलब बकवाद बकवादी जो पक्षी होता वो भी। एंड रॉबिन्स और वहाँ लाल छाती वाली रॉबिन्स चिड़िया भी देखी जाती थी। सिक्किम इज प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय द लेपचेज, लेपचेज एक सर जगह का नाम है। सिक्किम इज प्रीडोमिनेटली मतलब मुख्य रूप से इनहेबिटेंट
निवास करते हैं बाय द लेपेज लेपेज के द्वारा द नेपालीज एंड द भूटानी भूटियाज द नेपालीज एंड द भूटियाज नेपाली इज लिंगुआ फ्रांस ऑफ सिक्किम नेपाली जो था लिंगुआ फ्रांस ऑफ सिक्किम मतलब नेपाल सिक्किम के भाषा से जुड़ा हुआ था इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम मोस्ट ऑफ सिक्किम मतलब सिक्किम में मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश भी जाना और समझा जाता था अदर लैंग्वेज अन्य भाषाएँ स्पोकन इन सिक्किम अन्य जो भाषाएँ थे जो सिक्किम में बोले जाते हैं वो उनमें शामिल है पहला लैंग्वेज है भूटिया दूसरा है गुरंग तीसरा लेपचा लिंबू मागर नवारी राई शेरपा सुनवार एंड तमांग ये सभी भाषाएँ सिक्किम में बोली और समझी जाती थी लोगों के द्वारा नाउ सेकेंड लास्ट पैराग्राफ द पीपल इन द रूरल एरियाज ग्रोज कैडमम जिंजर ऑरेंज एप्पल टी एंड ऑर्चिड्स ऑर्चिड्स का मतलब होता है फूल वाली लताएं वाली फूल तो द पीपल इन द रूरल ग्राम उस ग्राम वहाँ ग्राम के जो लोग रहते थे वहाँ के जो ग्राम के लोग रहते थे वो क्या करते थे रूरल ग्रोज वो उगाते थे कार्डमम्स मतलब इलायची उगाते थे जिंजर मतलब अदरक उगाते थे ऑरेंज संतरा उगाते थे एप्पल सेब उगाते थे टी चाय उगाते थे और चीड मतलब फूल वाली फूलों उगाते थे राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड ऑफ द साउथर्न एरिया साउथर्न दक्षिणी क्षेत्रों में हिल साइड के क्षेत्रों में वहाँ पर चावल भी उगाया जाता था सिक्किम इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया पूरे भारत में सिक्किम जो है इलायची उत्पादन में सबसे आगे है सबसे बड़ा है द मिनरल्स माइन इन सिक्किम आर कॉपर और सिक्किम में जो खनिज मिलते हैं खनिज पदार्थ मिलते हैं वो ज़्यादा क्या मिलते हैं कॉपर डोलोमाइट लाइमस्टोन ग्रेफाइट माइका आयरन एंड कोल ये सभी अधिक मात्रा में सिक्किम में पाए जाते हैं ये सभी खनिज है एंड लास्ट सेंजा The people of Sikkim celebrate major India festivals such as Diwali and Dasara. The people of Sikkim, Sikkim के जो लोग हैं celebrate वो मनाते हैं major Indian festival बहुत से मतलब कुछ ही जो है Indian के festival Indian त्यौहार सच है जैसे Diwali and Dasara. As the people of the Sikkim mostly followed Buddhism, वहाँ के जो Sikkim के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से बुद्ध को follow करते हैं भगवान बुद्ध का वो अनावरण करते हैं द फेस्टिवल सेलिब्रेट हेयर आर एसोसिएट विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल वहाँ का जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो एसोसिएट मतलब सम्मिलित रूप से वो कौन सा फेस्टिवल है बुद्धिस्ट फेस्टिवल द पॉपुलर फेस्टिवल दे सेलिब्रेट इंक्लूड लोसार इनका जो पॉपुलर लोकप्रिय जो फेस्टिवल है त्यौहार है वो क्या है लोसार सागा दावा लाहाबाद दुचेन पंग लाबसोल द्रुपका तेसी बुमचू लूसोंग तिहार दसई एंड क्रिसमस ये सभी त्यौहार मुख्य रूप से प्रॉपरली ढंग से मेन रूप से वहाँ पर मनाया जाता है दिस चैप्टर वाज एंड नाउ ग्लोसरी एंड नोट्स माउंटेनियस का मतलब होता है पर्वतीय बाउंडेड मतलब सराउंडेड या घिरा हुआ इनहेबिटेंट्स मतलब ड्वेलर या निवासी इंटरली मतलब वर्ड ऑफ वर्ड शाब्दिक मैग्निफिकेंट मतलब डिकेंट मतलब शानदार या सुंदर व्यू मतलब होता है सीनेरी या दृश्य नज़ारा क्लेड मतलब कवर ढकी हुई रिगार्ड मतलब कंसीडर या समझा जाना या माना जाना फ्लोरा मतलब वेजिटेशन वनस्पति फौना मतलब लिविंग बींग्स जीव जंतु मोनेस्ट्रीज मतलब होता है ड्वेलिंग ऑफ बुद्धिज मॉन्क मतलब मठ प्रीडोमिनेटली मतलब होता है मेनली चीफली मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से लिंगुआ फ्रांस मतलब प्राइम कंटेक्ट लैंग्वेज मुख्य भाषा या संपर्क भाषा दिस चैप्टर वॉज एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड comment in comment section which parts did you like and share on your friends group and hit the bell icon so I upload any video to get notification thank you Jai Hind till then bye